अगर कोई हमारे भी फॉरेंसिक लैब के असिस्टेंट डायरेक्टर रोहदास सौदा पक्का करके चुपके से खिसक ली तो चपरासी अमृतलाल पुष्कर ने उनकी हैसियत और हुनर कुछ यूं बयान किए। ऐसा है कि आप खड़े गोली मार दो और आप पर जमा कर दो आके उसको भी लिख के कोर्ट में भेज देंगे कि सफाई नहीं हुआ और वह में खूब कारतूस फांस दो और तब भी कह देंगे कारतूस निखारने में देर नहीं हुआ इससे सफाई नहीं हुआ वो साहब जो केस अपने हाथ में लेंगे और उसको डिलीट कर देंगे। तो ये बाबूजी हमारे वाला केस जो है ये अपने हाथ में ले लेंगे ये अपने हाथ में ले लेंगे ना ठीक बात। रोहदास साहब की गुजारिश पर उनसे हमारी अगली मुलाकात हुई आगरा के ही एक होटल के कमरे में। यहाँ पर उन्होंने बिना किसी लाग लपेट के हमें बता दिया कि गुनहगार की किस्मत बदलने के काले खेल में जितना पैसा डालोगे उतना ही पक्का होगा काम। 50,000 रुपए वो खुद तो लेंगे ही, जांच के नाम पर बनी लैब के 5 वैज्ञानिकों की टीम को भी 1.5 लाख रुपए देने होंगे। की दो कंडीशन है, अगर आपके 100% होना है तो ये टीम बनानी पड़ेगी और ये कहते हैं 100% और आपको ये कहना है कि मतलब मैं अपनी तरफ से तो कोशिश करूँगा जैसे बॉर्डर लाइन पर होगा तो आपके फिर डालने की मिल लिए तो फिर नहीं बाय द वे उसमें किसी एक्सपर्ट को उसको कोई मार्क्स दिख जाता है नहीं वो कहेगा नहीं सर ये निशान है तो उसमें थोड़ी दिक्कत ही हो जाती है क्योंकि अगर जब पहले से उनका फीडिंग रहेगी पूरा उनको जब पहुँच जाए तो अपना कहने को सवाल ही नहीं। कितना खर्चा आ जाएगा सर जो एनी हाउ वाले में एनी हाउ को किसी भी कीमत उसमें करीब क्योंकि 5 लोग बैठे हैं उसमें 1.5 लाख का खर्चा बैठे 1.5 लाख ये कब देना होगा हमें आपको देने की बात तो ये है कि देने वाली बात तो मैं भी आपसे एकदम तुरंत ये नहीं कह रहा हूँ अभी दे दीजिए काम हो जाए मुझे तो पैसे की उतनी वो नहीं रहती है मैं उससे पहले चाहता हूँ काम आपका अच्छा होना चाहिए और अच्छी तरह से और सही तरीके से होना चाहिए काम। सुना आपने, जिस शख्स का काम है बेगुनाहों को बचाना और गुनहगारों को सजा दिलवाना वही झोंक रहा है पुलिस और कानून की आंख में धूल। उसने मैंने जो डेट बताया इसमें मुझे कुछ नहीं मिला मैं सिर्फ इंसान के नाते आपका काम कर रहा हूं। पैसों के लालच में इन्होंने फॉरेंसिक लैब की साख को ही कर दिया नीलाम। यानी 2 लाख रुपए देकर कोई भी खूनी अपने को बचाने के लिए लैब के विशेषज्ञों से मनमाफिक रिपोर्ट बनवा सकता है। अब जब फॉरेंसिक लैब के बिके हुए वैज्ञानिक ही लिख कर दे देंगे कि गोली बरामद बंदूक से नहीं चली तो फिर किसी की मजाल नहीं कि मुलजिम को गुनहगार साबित कर दे। तो मैसेंजर को हाथ के हाथ दे देंगे तो इधर उधर मुश्किल से नहीं हाथ के हाथ ले जाएगा कोर्ट में दर्ज कर देगा बस तभी से वो उसकी फोटो स्टेट वगैरह इधर उधर आपको मिल जाएगी उधर मिल जाएगी चादर मिल जाएगी तब सब पता चल जाएगी इधर छुट्टियाँ कैसे। आगरा के फॉरेंसिक लैब की सच्चाई यही है कि यहाँ लालची अफसरों की मेहरबानी से गोली समेत बंदूक गायब करने से लेकर ड्रग्स की जगह सैंपल में राख या नमक रख देने का काम भी बड़ी सफाई से हो जाता है और सैंपल में हेरा फेरी कर तैयार कर दी जाती है शातिर से शातिर मुजरिम को बचाने के लिए मन माफिक रिपोर्ट। स्टार न्यूज के लिए कोबरा पोस्ट से हरीश शर्मा, जमीर अहमद खान और असित दीक्षित की रिपोर्ट। आपने देखी आगरा की फॉरेंसिक लैब के असिस्टेंट डायरेक्टर रोहदास की काली करतूत। ब्रेक के बाद खुलेगी एक और असिस्टेंट डायरेक्टर और सीनियर साइंटिस्ट की पोल। आप खड़े गोली मार दो और आप जमा कर दो आके उसको भी लिख के फोटो भेज देंगे कि सफाई नहीं हुआ।